हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से अड्डे 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 नवंबर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ओके, सुपर सॉलिड सेशन आज का रहने वाला है मेरे भाई। ओके, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट बोलूंगा मैं, काफ़ी कुछ चीज़ें मैं ऐड नहीं करी आज, एमसीक्यूज ऐड नहीं करें और बट फिर भी सेशन आपको शानदार मिलेगा। रिवीजन वाले पार्ट बोलो, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट बोलो, काफी कुछ होगा, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। बट आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के आखिरी तक यहाँ पर बने रहिएगा। ओके डन, चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक शानदार इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यही आपका आज का मेरे भाई मोटिवेशनल कोट भी है, ठीक है? इसी को मैं मोटिवेशनल कोट बोलूंगा, अलग नहीं बोलूंगा। आप लोगों के लिए 5 सरप्राइज है और ये 5 सरप्राइज रहेंगे आपके डे आफ्टर टुमारो यानी 3rd ऑफ नवंबर को। 3rd ऑफ नवंबर का जो सेशन होगा उस सेशन में आपको हम लोग 45 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और 7:45 पे मैं आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट करूंगा 5 बड़े सरप्राइज। अभी तक आप लोगों ने मेरे को कभी नहीं देखा हुआ इस तरीके के सेशन को करते हुए। एक सरप्राइज मतलब बहुत बार हम लोग नॉर्मल तो डिस्कशन करते ही हैं कि ये हम लोग लेकर आ रहे हैं, बट हाँ अक्सर हम लोग मैं कभी ये इस तरीके के सेशंस नहीं देखे होंगे आपने कि 5 बिग सरप्राइज। तो कुछ तो होगा और बेहतरीन होगा, आपके लिए होगा और उसका एक रीजन होगा कि यार 2024 आने वाला है, 2023 जाने वाला है। एस्पायरेंट बहुत ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं तैयारी शुरू करेंगे। तो सभी को ध्यान में रखते हुए मेरे दोस्त 5 बड़े सरप्राइजेस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस, जिसका डर रहता है, जिसमें चीजों को याद करने में दिक्कत रहती है, ओके, उसी को लेकर मेरे दोस्त हम लोग जितना बेहतर कर सकते उतना बेहतर हम लोग करने के लिए इस तरीके के सेशन ला रहे। तो आप लोग सभी तैयार हो? सभी लोग आप तैयार हो मेरे भाई? एक बार यस सर लिख दो मेरे भाई, फिर हम लोग सेशन शुरू करते हैं। एक बार यस सर लिख दो कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अच्छा, आज डबल वैलिडिटी अभी चली रही है, अगर आप लोगों को बैंक महापैक लेना है या इवन एसएससी महापैक लेना, अड्डा का महापैक, तो आज आप एनरोल कर सकते हैं। और फाउंडेशन क्लासेस भी हमारी शुरू होने जा रही हैं और फाउंडेशन क्लासेस की जो डेट है वो 10th ऑफ नवंबर है अब। ओके, और दिवाली से पहले एक क्लास मिलेगी आपको, फिर उसके बाद दिवाली से क्लासेस, दिवाली के बाद क्लासेस शुरू होंगी। और ये बैच हम लोगों का फाउंडेशन होगा, मंडे वेंसडे फ्राइडे रहेगा। इसमें आप लोगों को मेरे दोस्त फाइनेंशियल अवेयरनेस बेस्ड करंट अफेयर्स जितने भी है वो सारे कवर किए जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन, फिर यहाँ पर सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कमिटी यहां पर बनाई गई है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है और इंश्योरेंस रेगुलेटर एडीआई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने एक कमिटी बनाई है। कमिटी का पर्पस क्या है उसको समझते हैं, बट इंपॉर्टेंट कमिटी है। यहां पर दो शब्द लिखे हुए, एक बैंक का इंश्योरेंस नॉर्म्स और एक मिस सेलिंग और आगे आएगा। बैंक का इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? देखो, बैंक का इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि ध्यान से सुनिएगा, एक बैंक है ओके और एक इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी है, ये बैंक के पास पहुंचती है। अरे सुनो ना, बैंक कहता हां बोलो ना, अरे सुनो ना, हां बोलो ना, पता तुम्हारे पास क्या है? क्या है मेरे पास? तुम्हारे पास कस्टमर है। हाँ मेरे पास कस्टमर है। बैंक ने भी पूछा तुम्हारे पास क्या है, उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया मेरे पास प्रोडक्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, हम लोग मिल जाए ना दोनों मिलके तबाही मचा देंगे। बैंक ने कहा कैसे तबाही मचा देंगे? तुम्हारे पास कस्टमर, मेरे पास प्रोडक्ट, मेरे प्रोडक्ट को तुम्हारे कस्टमर्स को बेचते हैं। बैंक कहता है घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? चलो मान लिया तुम और हम दोस्त हैं, मित्र हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, कुछ फायदा हमें कराएंगे नहीं कराएंगे? तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम इसके बदले आपको कमीशन देंगे। ये बैंक का सूखा सूखा प्रॉफिट है मेरे भाई, सूखा सूखा प्रॉफिट है। कैसे सूखा सूखा प्रॉफिट है? बैंक को यहां पर कुछ करना है? एम्प्लॉय अलग से लगाने हैं? नहीं लगाने। आपको पता है बैंक के प्रॉफिट बढ़ने लगे हैं। एसबीआई का प्रॉफिट देखिए क्यों बढ़ने लगा है। आज आप अगर बैंक में जॉब करने जाते हैं तो सिर्फ आपका काम ये नहीं है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना है, आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी
बेचने पड़ेंगे, आपको सेल भी करनी पड़ेगी। आज मेरे दोस्त जो बैंकर्स हैं जितने भी, उनके ऊपर क्यों प्रेशर है, क्योंकि उन्हें अब सेल का काम भी दिया जा रहा है। तो यहां पर ये जो बैंक है ये बैठा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप करता है, इंश्योरेंस कंपनी यहां पर अपना प्रोडक्ट देती है और ये उस प्रोडक्ट को बेचता है। इस एग्रीमेंट को बोलते हैं हम लोग बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट, ओके, या फिर कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट भी नाम देते हैं, अक्सर आप न्यूज़पेपर में इसको पढ़ेंगे। इसी को लेकर यहां पर जो बैंक का इंश्योरेंस नॉर्म्स है उसको रिव्यू करने को लेकर IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक पैनल फॉर्म किया है, एक कमिटी फॉर्म किया है। समझते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक टास्क फोर्स बनाई है जो बैंक का इंश्योरेंस चैनल है उससे रिलेटेड जो वेरियस एस्पेक्ट है नॉर्म्स है उसको रिव्यू करने के लिए, प्लस मिस सेलिंग। मिस सेलिंग क्या होता है, गलत बोलकर बेचना मेरे भाई, इसको लेकर भी यहां पर रिव्यू करने के लिए नॉर्म्स को ये पैनल बनाया गया। इस पैनल को हेड करेंगी जे मीना कुमारी, ओके, जे मीना कुमारी जो कि चेयरपर्सन है इस टास्क फोर्स की, इसे याद रख लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने काम की चीज बनेगी जो एग्जामिनर पूछेगा कि इस पैनल के हेड का नाम क्या है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999 में बना था, तेलंगाना के हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, देवसीस पांडा इसके चेयरपर्सन है। ये एक स्टैचुरी बॉडी। अब आप कहोगे सर स्टैचुरी बॉडी का मतलब क्या होता है, देखो दो तरीके की बॉडी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक स्टैचुरी बॉडी। कोई भी संस्था जिसका निर्माण संविधान से हो रहा है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, किसी भी संस्था जिसका निर्माण एक्ट के माध्यम से हो रहा है वो आपकी रेगुलेटरी बॉडी हो गई। बात समझ में आ गई, तो यहां स्टैचुरी बॉडी हो गई, तो ये यहां पर स्टैचुरी बॉडी है, ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है। इसका काम क्या है, इंश्योरेंस और जो रीइंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करना, उसके लिए लाइसेंसिंग देना, लाइसेंस देना। इसके एक्ट का नाम है बेटा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। आप में से काफी कुछ कहेंगे इतना घुस के क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, एग्जामिनर ही घुस के पूछ रहा है तो मैं क्या करूं। एग्जामिनर ने पूछा था किस मंत्रालय के अंतर्गत है, ये इंटरव्यूअर ने भी पूछा था और एग्जामिनर ने भी पूछा था, एग्जाम में भी आया था, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आया था, मंत्रालय पूछ लिया गया था। कौन सी बॉडी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा होता है, स्टैचुरी बॉडी की जगह वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिख के दे देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये एक्ट के माध्यम से बना है इसलिए इसको स्टैचुरी बॉडी कहा जा रहा है। फाउंडेशन इसका ईयर 1999, तेलंगाना के हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर, हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, देवसीस पांडा चेयरपर्सन हो गए और IRDAI में कुल मिलाकर 10 मेंबर की बॉडी होती है जिसमें चेयरमैन भी शामिल होते हैं। बात क्लियर है भाई, समझ में आ गया, ओके। अब कुछ हम लोग अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नेस्कॉम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हर सर नाम सुना नेस्कॉम का, ओके, नेस्कॉम का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया किसी को अभी, नेस्कॉम वाइस चेयरपर्सन इनका नाम क्या है, सिंधु गंगधरन, ओके, गंगधरन, सिंधु गंगधरन नेस्कॉम की वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई। ICICI बैंक इसके एमडी एंड सीईओ के तौर पे किसको फिर से अपॉइंट किया गया है, संदीप बख्शी को, ओके, संदीप बख्शी को। क्लियर है गाइस, यार दोस्तों मजा नहीं आ रहा, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, तुम लोग एक बार थोड़ा दम लगाइए यार, आज पहला दिन है नवंबर का, मतलब नया मंथ है मेरे भाई, और नए मंथ में तब तक जब तक कि मजा नहीं आएगा जब तक नंबर बढ़िया नहीं जुड़ेंगे, तुम लोगों से गुजारिश है थोड़ा शेयर वेयर करो यार सेशन को, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ एग्जाम लगा हुआ आज काफी बच्चों का, बट फिर भी यार और नए दोस्तों को जोड़ो ना। ICICI लंबार्ड, ओके, ICICI लंबार्ड इसके एमडी एंड सीईओ के तौर पे संजीव मंत्री को अपॉइंट किया गया। किसको बेटा, संजीव मंत्री को, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ठीक है। इसके अलावा ADB एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मार्केट सॉल्यूशन अभी किसको अपॉइंट किया है, भार्गव दास गुप्ता को, ओके, भार्गव दास गुप्ता, ठीक है। इंटेल कॉरपोरेशन ने अभी किसको अपना इंटेल इंडिया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, गोकुल सुब्रमण्यम, ओके, गोकुल सुब्रमण्यम, इनको अभी हाल फिलहाल इंटेल इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। मंगोलिया में भारत का एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया, अतुल मलहारी गौत सुर्वे, ओके, अतुल
मलहारी, नाम याद रख लेना बेटा, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, ओके, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता बेस्ड है। इसके प्रेसिडेंट के तौर पे किनको नियुक्त किया गया? सुरेश गोपी, ठीक है, सुरेश गोपी इनको सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। एक संस्था, इसका नाम है TASL, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये वाला, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसके चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया बनमाली, बनमाली अग्रवाल को, ओके, बनमाली अग्रवाल को। ASCI मतलब है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के जो हेड, इनका नाम है सौगत गुप्ता, ओके, सौगत गुप्ता इनको एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। डन, नेक्स्ट देखिएगा, सोशल वर्कर फ्रॉम बस्तर, इनको अभी रोहिणी नायर प्राइज से सम्मानित किया गया है। यार अवार्ड इंपॉर्टेंट है, एक इकोनॉमिस्ट की याद में ये अवार्ड दिया जा रहा है, समझ लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। पहले अवार्ड का नाम क्या बेटा? रोहिणी नायर प्राइज, और ये एक सोशल वर्कर है, इनको दिया गया, छत्तीसगढ़ के बस्तर से हैं ये। असल में है क्या, इन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है, FPO है, उनको एस्टैब्लिश किया था, और इनके माध्यम से जो ट्राइबल वीमेन छत्तीसगढ़ में रह रही हैं, उनकी लाइफ को इन्होंने बदला था, उसके लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया, सम्मानित किया गया है। इनका नाम है दीनानाथ राजपूत, रोहिणी नायर प्राइज इनको दिया गया, जिनका आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए रोहिणी नायर प्राइज से दीनानाथ राजपूत जी को सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड है, ये इनको एनके सिंह साहब के द्वारा दिया गया था, उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। एनके सिंह साहब ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, जिसमें कैश प्राइज है वो 10 लाख रुपए का, एक ट्रॉफी रही थी, एक सिटेशन रहा था, एक प्रशस्ति पत्र रहा था, जो सेकंड एडिशन है इस रोहिणी नायर प्राइज का, और ये जो रोहिणी नायर है उनके सम्मान में दिया जाता है, इन द मेमोरी ऑफ इकोनॉमिस्ट हु पास्ड अवे इन 2021। देखो ये अगर सेकंड एडिशन है, इसका मतलब फर्स्ट किसी ना किसी को दिया गया होगा, कोई तो व्यक्ति होगा। अपने होमवर्क में लिखो कि जो फर्स्ट एडिशन रहा था, अगर दिया गया था तो ठीक है, दिया ही गया होगा, ये किसको दिया गया था, एक बार ढूंढ के मेरे को इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब जरा कुछ अवार्ड्स उनका रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है शस्त्र, एक अवार्ड है, इसका नाम है बेटा SASTRA, ओके, शास्त्र रामानुजम प्राइज, ओके, शास्त्र रामानुजम प्राइज दिया गया है इनका नाम है रुक सियांग झेंग, ओके, रुक सियांग झेंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अवार्ड है, इसमें प्राइज मनी है $10,000, ओके, रुक सियांग झेंग, ठीक है, ये नाम याद रख लेना, अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, शस्त्र रामानुजम प्राइज। इसके अलावा दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यान से देखना, ये दिया गया वहीदा रहमान जी को, ओके, ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन है इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, और इससे सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान जी को। क्लियर है भाई, मजा आ गया, समझ में आ गया। 2023 का इंटरनेशनल एमी अवार्ड, ये किसको दिया गया है? वीरदास, सॉरी दिया नहीं गया बेटा, अभी इनको नॉमिनेट किया गया, वीरदास सैफाली शाह, ओके, एंड जिम सर्व, ये तीन नाम जरूर याद रखना, वीरदास सैफाली शाह जिम सर्व, इन तीन का नामांकन किया गया है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एमी अवार्ड के लिए। आप कहोगे सर अभी तो दिया नहीं गया है, फिर क्यों आप इसको पढ़ा रहे हो, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे काम के लिए? हाँ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था एक मलयालम फिल्म 2018, ओके, मूवी का नाम है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, इज अ हीरो, ओके, इस अभी ऑफिशियल एंट्री के तौर पर इसको सेलेक्ट किया गया है ऑस्कर 2024 के लिए। तो इंडिया के ऑफिशियल एंट्री के तौर पर मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को सेलेक्ट किया गया। इसको डायरेक्ट किसने किया था? इसको डायरेक्ट किया है जुद एंथनी
जोसेफ, ओके बेटा, किनके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया? जुद एंथनी जोसेफ। इंपॉर्टेंट है भाई ये, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एग्जाम में आपके बनना ही चाहिए, ठीक है? अगर ये एग्जाम में नहीं बना तो फिर तो मतलब मुझे अवार्ड सेक्शन पे शक हो जाएगा कि भाई अवार्ड दे ही क्यों रहे हो, जब ये वाले अवार्ड को तुमको मतलब देना ही नहीं एग्जाम में, ठीक है? मतलब ये आना ही आना है, मतलब एक तरीके से इसको नामित किया गया है, ठीक है? अभी तो अवार्ड दिया नहीं गया इसको, बट हाँ अभी इसको नामित किया गया भारत की तरफ से, ऑफिशियल एंट्री के तौर पर इसका नाम यहां पर दिया गया है। क्लियर है भाई? डन। मजा आ गया, एक बार यार सेशन को लाइक फटाफट कर दो यार, तब तो मजा आएगा। एक हम लोगों ने पढ़ा था, एक रेलवे स्टेशन का नाम है, इसका नाम है विजयवाड़ा, ओके विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, इसको ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन दिया गया है, ओके बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ओके इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन अभी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया। एक अवार्ड इसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ओके इस साल इसमें कितने साइंटिस्ट को सम्मानित किया गया? 12 साइंटिस्ट हैं 7 कैटेगरीज में, जिनके शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया गया। ये पहली दफा दिया गया था 1958 में, 1958 में। अवार्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब देश का टॉप साइंस प्राइज है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, और ये लगभग 2 साल के गैप के बाद ये दिया गया है। अब एग्जामिनर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, नाम भी पूछ सकता है, कैटेगरीज भी पूछ सकता है, पहली दफा कब दिया गया था ये पूछ सकता है, मेरे भाई कितना प्राइज मिलता है, तो 5 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज दिया जाता है। ये सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जामिनर यहां से मेरे दोस्त पूछ सकता है, तो इस पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इस न्यूज को जरा देखते हैं। यहां बात आ रही कोर सेक्टर की। अब कोर सेक्टर क्या होता है, देखो समझिएगा, हर एक चीज का एक कोर पॉइंट होता है। आपकी बॉडी का मेरे दोस्त कोर पार्ट क्या है? आपकी ये बोन है ना मेरे दोस्त, बैकबोन है पूरी, इस पर आपका पूरा स्ट्रक्चर ये टिका हुआ है। अगर इसको कुछ होता है तो पूरा का पूरा शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है ना? अगर ये अच्छी है तो आपके शरीर बेहतर है, अब इसमें कुछ कमजोरी हो रही तो इसका शरीर मतलब आपकी लाइफ स्टाइल में काफी चेंजेस करने की जरूरत है, आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा, ओके क्योंकि आपकी बॉडी का कोर पार्ट है, ठीक है? इस पर बाकी चीजें डिपेंडेंट है, समझ रहे मेरे दोस्त? ऐसे ही हमारे यहां पर 8 कोर सेक्टर डिफाइन किए गए, 8 कोर सेक्टर डिफाइन किए गए, और इन पर पूरी इंडस्ट्री डिपेंडेंट रहती है, ओके? अब इन 8 कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 4 महीने के न्यूनतम स्तर पे आ गई, 8.1% रही है। अब एग्जामिनर यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो ध्यान से देखिएगा, वो पूछ सकता है भाई कि जो 8 कोर सेक्टर है इनकी ग्रोथ रेट कितनी रही सितंबर महीने में, 8.1%, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा पूछ सकता है कितने महीने के न्यूनतम स्तर पर रही है, तो ये 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर रही थी। बात समझ में आ रही है? 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर। आगे देखना, 8 कोर इंडस्ट्री आउटपुट ग्रोथ इज टू 4 मंथ लो 8.1% सितंबर 2023, लोअर देन अगस्त 14 मंथ हाई 12.1%। क्या यार पॉइंट शानदार बताया यहां पर, मतलब ये कह रहे हैं कि जो अगस्त है उसमें रही थी 12.1%, जो कि आपकी 14 मंथ हाई थी, ओके 14 महीने के उच्च स्तर पर रही थी, और सितंबर महीने में जो ग्रोथ रेट रही है वो 8.1% रही है, जो कि 4 मंथ लो है। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? डन। अब एग्जामिनर कह सकता है यार ये बताओ, चलो ठीक है इतना तो समझ में आ गया, इसको जारी कौन करता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है, और इस बार क्या पूछा था बड़ा शानदार तरीके से, उसने एक क्वेश्चन दिया, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दिए, उन 5 ऑप्शन में उसने क्या किया, जैसे सीपीआई है उसके आगे लिख दिया एनएसओ, ठीक है? बात समझ आ रही है? ऐसे डब्ल्यूपीआई है उसके आगे की जो भी इसको रिलीज करता है वो लिख दिया, ऐसे ही मेरे दोस्त एक आईआईपी है उसके आगे इस तरीके से लिख दिया, ओके इसी तरीके से मेरे और भाई और अगर हम लोग लिखें, हाँ इकोनॉमिक सर्वे लिख देते हैं, यहां लिख दिया, और फिर लिख दिया इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ओके विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, समझ रहे हो? इनमें से कौन सा सत्य है? अब या तो ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, ठीक है, या फिर मेरे भाई हो सकता है इनमें से कोई एक ही करेक्ट हो, ओके तो अब देखो समझने की बड़ी जरूरत है, इस प्रकार के क्वेश्चन बड़ी तबाही मचाते हैं। क्यों तबाही मचाते हैं? आप पढ़कर गए, आपका पढ़ा हुआ एग्जाम में आ गया,
आप थोड़ा कम पढ़कर गए और आपको पांच ऑप्शन में से दो ऑप्शन ऐसे मिल गए जो पढ़े हुए हैं, दो ऑप्शन ऐसे मिल गए जो कि ना पढ़े हुए हैं, और वहां पर ऑप्शन में ऐसा डाल दिया ओनली ए ओनली बी ओनली ए और बी, वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो पूरा कोशिश करो एक अलग से पेपर बना लो, ओके, रिपोर्ट हो गई जितनी भी होती है या डेटाबेस जो भी डेटा आ रहा है वो रिलीज कौन करता है, जैसे कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है ये हमारा WPI जारी करती है, होलसेल प्राइस बेस इन्फ्लेशन, प्लस इसके साथ साथ ये मेरे दोस्त 8 जो कोर इंडस्ट्री का आउटपुट ग्रोथ आती है, ठीक है, ये भी हमारी जारी करती है। इसमें भी संस्था की बात करें, देखो जो PCS में क्वेश्चन आया था, ऐसे जब भी क्वेश्चंस बने तो वो यही पूछता है किस मंत्रालय के द्वारा है, किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, बट अगर थोड़ा स्मार्टली खेलेगा वो ऑप्शन में DPIIT भी डाल सकता है, DPIIT डन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई मेरे भाई, ठीक है, समझो। आगे फिस्कल ईयर 22-23 की बात करते हैं, यानी जो पिछला वित्तीय वर्ष निकला है उसमें जो कोर इंडस्ट्री आउटपुट ग्रोथ रेट रही थी वो 7.6% है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि सर जो आप अभी पढ़ा रहे हो या जो आप पढ़ रहे हो वो मंथली डेटा है, ये हम लोग अगस्त की बात कर रहे हैं या फिर सितंबर की बात कर रहे हैं, बट अगस्त 2023 की बात कर रहे हैं, सितंबर 2023 की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जो डेटा मैं डिस्कस कर रहा हूं ये पिछला फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, यानी अप्रैल 2022 से लेकर मेरे दोस्त मार्च 2023 तक की बात करें तो इस बीच जो ये 8 कोर इंडस्ट्री का आउटपुट ग्रोथ रेट रही थी वो 7.6% रही थी, और अगर इसी को मैं कंपेयर कर लूं पिछले से और एक और साल पीछे चले जाए तो 21-22, ठीक है, तो इसमें ग्रोथ रेट रही थी 10.4%। अब एग्जामिनर कैसे स्मार्टली खेल सकता है, वो तो या तो मंथ वाइज डेटा पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा अच्छा ये बताओ जो पिछला फाइनेंशियल ईयर अभी निकल कर गया है उसमें कितनी आउटपुट ग्रोथ रेट रही थी, तो यहां पर आउटपुट ग्रोथ हुआ था, मतलब 8 कोर इंडस्ट्री का आउटपुट ग्रो किया था तो वो 7.6% था। देखो मैं क्यों यहां पर इन चीजों के बारे में बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको PDF में भी मिल जाएंगी, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप क्लास में ज्वाइन कर रहे हो तो उसका एक तरीका होता है पढ़ने का और पढ़ाने का कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि इससे किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, उस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको एक्टिव भी रखना पड़ेगा कि हाँ यार इससे ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इससे ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, सिर्फ पढ़ने भर मात्र से काम नहीं चलेगा। जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है, क्वेश्चन आया था अभी हाल फिलहाल, आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट पेपर तो नाम नहीं पता, बट पेपर का नाम बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था कि सर ये पूछा था निम्न में से कौन सा 8 कोर इंडस्ट्री का भाग नहीं है, इसका मतलब आपको 8 के नाम याद रखने पड़ेंगे, कोयला, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है, कोयला, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, टोटल 8 हो गए, 8 के नाम याद होने चाहिए। अब एक इंडेक्स और जारी किया जाता है, इसका नाम है IIP, अभी हम लोगों ने देखा है ये कि ये जो WPI है 8 कोर इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, ठीक है, इसका डेटा जारी करता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, एक होता है CPI, ओके, एक होता है GDP और एक होता है IIP, इन तीनों का जो डेटा जारी किया जाता है वो करता है मॉस्पी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और इसके अंतर्गत भी आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके द्वारा इस डेटा को जारी किया जाता है। इसमें जो IIP है, IIP जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसकी वेटेज क्या होती है, भाई जो इंडेक्स कैलकुलेट होता है वो प्रोडक्ट के बेसिस पे ही तो, सेक्टर के बेसिस पे तो कैलकुलेट होगा, अब इसमें 8 कोर इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं उनकी वेटेज कितनी है, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा आपका, 40.27%, बात समझ में आ रही है, 40.27%, क्लियर, डन, ऑल ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल और सितंबर की बात करें, अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर, अगर 6 महीनों की बात कर लेते हैं, इन 6 महीनों में 7.8% आउटपुट रहा था, ठीक है, और अगर पिछले साल के 6 महीनों की बात करें तो ये 9.8% रहा था। फिस्कल डेफिसिट टचेस 39.3% फुल ईयर टारगेट इन फर्स्ट हाफ, क्या मतलब है फिस्कल डेफिसिट का, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये, जॉनी लीवर वाली, देखिए आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये, मतलब क्या है कि आपके घर में बेटा आमदनी अठन्नी और खर्चा आपका 1 रुपया होता है, इसका मतलब आप घाटे में रहते हो, मतलब इसको अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये ना एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीप्ट, आपका खर्चा 100 रुपये है और मेरे दोस्त आप इनकम आपकी हो रही 50 रुपये, इसका मतलब आप -50 डेफिसिट में चल रहे हो, यस और नो, समझ में आई मेरे भाई बात। अब आप कहोगे सर एक बात बताइए, आमदनी 100 कैसे हो गई और खर्चा 50, मतलब
आमदनी यहाँ पर 50 रुपए, खर्चा 100 रुपए, ये कैसे हो गया भाई? आमदनी मैक्सिमम 50 हो सकती है भाई, उधारियां भी तो होती हैं, उधार ले लिया तो उसको भी यहाँ पर इन्होंने अपनी रिसीप्ट में डाल दिया है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या बोला गया इन्होंने, इन्होंने कहा है कि एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीप्ट, भाई आय व्यय से ज्यादा है, व्यय आय से ज्यादा है, इसका मतलब ये घाटा है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार रिपीट हुआ है। अब आप कहोगे सर ये समझ में आ सकता है फॉर्मूला पहली बार में, तो उसकी गुंजाइश बहुत कम है, ठीक है, 99% शायद समझ में ना आए, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इतनी आसान भाषा में कोशिश करते समझने की कि आई जाए। ओके, किसी भी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? आपके एक्सपेंडिचर का ज्यादा होना और आय का कम होना, यही तो है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बनता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओके, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं, ये तुम्हारा भाई आशीष गौतम, ठीक है, ये जगह बैटरी नहीं बैटरी, मैं पहले अपने को छोटा कर लूं फिर एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, ये साइड में सेट कर लेता हूं, ये तुम्हारा भाई है मेरे भाई आशीष गौतम, ओके, ये उनके पिताजी हैं, यानी मेरे पिताजी मेरे दोस्त। पिताजी ने मेरे से पूछा कि बेटा आशीष ये बता तेरे पास तेरी पॉकेट में कितने रुपए पड़े हुए हैं? मैंने बोला पापा मेरी पॉकेट में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, इन 10,000 में से मैंने 2,000 रुपए संतोष सर है ना अपने अंग्रेजी वाले, ठीक है, इनसे उधार लिए थे, बात समझ में आ रही है, संतोष सर से उधार लिए थे। आज मैं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, न्यूज बहुत बढ़िया मेरे भाई, मतलब एक नंबर न्यूज, जब इकोनॉमी की न्यूज आती है तो मुझे लगता है मेरे जोन में आ गई है, फिर तो हर बॉल पे छक्का मारेंगे मेरे भाई। तो इसको समझते हैं भाई, मेरी पॉकेट में कितने रुपए, पिताजी ने पूछा, अरे बेटा आशीष ये बता कितने रुपए, अरे पिताजी मेरी जेब में 10,000 रुपए भैया, 10,000 रुपए, चलो चलते हैं ऐश करते हैं, ठीक है। तो पिताजी ने बोला ये बता तेरे कितने रुपए हैं, मैंने कहा बाबा मेरे तो इसमें 8,000 रुपए हैं और 2,000 रुपए मैंने संतोष सर से लिए, ऐसा ही तो है भाई, 8,000 मेरे खुद के और 2,000 रुपए मैंने संतोष सर से लिए हैं, ठीक है। मुझसे पूछते तेरा खर्चा कितना हुआ था, मैंने कहा पापा आज करवा चौथ है और करवा चौथ की वजह से आपकी बहू के लिए मैं सामान वामान लेकर आया था और कुछ गिफ्ट विफ्ट लेकर आया था, कल उसने कुछ भेजा था सामान लेने के लिए, तो मेरा टोटल खर्चा हो गया 15,000 रुपए, ठीक है, मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हो गए बेटा 15,000 रुपए एक्सपेंसेस। मेरा घाटा कितना है इतना बताओ, मेरा घाटा कितना है? आपकी तबीयत सही है, अरे जिंदगी चलती रहेगी यूं ही, वो नहीं हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, तो बेटा हंसते हंसते कट जाएंगे रस्ते, तुम बस मोहब्बत करते रहा करो, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दोस्त रंग लाएगी और सारी जिंदगी में हर चीज मेरे दोस्त दूर हो सकती है, बशर्ते उसके लिए काम किया जाए, तबीयत तो सब ठीक हो जाएगी। ओके 7,000, ठीक है, अगर मैं ये वाली बात बोलू ही नहीं तो मैं पता ही ना हूं ये 2,000 रुपए वाली, अब बताओ अब कितना मेरा घाटा है, मेरा घाटा कितना मेरे भाई, इसमें कितना घाटा आपको दिख रहा है भाई? एक्सपेंडिचर है आपके 10,000 15,000 और आपकी जो रिसीप्ट है वो है 10,000, तो आप ये कहोगे सर एक्सपेंडिचर 15,000 है, इसका मतलब आपका जो घाटा बन रहा है वो 5,000 रुपए का बन रहा है भाई, 15,000 माइनस 10,000 यही तो बन रहा है, ये तो बन रहा है, बट ये हमें एक्चुअल घाटा प्रेजेंट कर रहा है, नहीं सर एक्चुअल घाटा कैसे प्रेजेंट कर रहा है, आप 10,000 रुपए में बोरोइंग वाला पार्ट लेके क्यों बैठे हो, आपको यहां पर माइनस करना चाहिए 15,000 माइनस 8,000, वो जो 2,000 वाला पार्ट है वो आपको माइनस करना चाहिए यहां पर, उसको नहीं आप ऐड करोगे अपनी रिसीप्ट में, वो तो संतोष सर से आप उधार लेकर आए हो, वो आपकी इनकम थोड़ी है, वो आपकी रिसीप्ट थोड़ी है, बात समझ में आ रही है? आप रिसीप्ट में तो भले डालते हैं हम लोग बजट में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये बोल दोगे कि वो आपकी इनकम है, मेरी बात समझ रहे हो मेरे भाई? तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको माइनस करेंगे यहां से, तो ये जो हमारा घाटा बनता है वो एक्चुअल 7,000 का बनता है, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, हम बोरिंग वाले कंपोनेंट है उसको हटा देते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला ही बनता है कि जो टोटल आपकी जितने भी एक्सपेंडिचर हुए उसे लिखिए, माइनस टोटल रिसीप्ट करिए, और टोटल रिसीप्ट में भी मेरे भाई आपको बोरिंग को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बात समझ में आ गई?
सर ऐसा ट्रिक बताओ कि नोट छाप कर रख दें हम सारा। अच्छा बेटा देखो, इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, सुबह सुबह उठा करो, आधा घंटे मम्मी पापा के पैर दबाया करो सबसे पहले। शाम को जब सुआ करो तो उस टाइम पे मम्मी पापा के पैर दबाया करो, नोट छप जाएंगे। ऐसा ही मैं करता हूँ मेरे भाई, मैं नोट्स वोट्स नहीं बनाता। जब मैं ऐसा कम करूंगा ना तो नोट्स अपने आप बनते हुए चले जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद मिलता हुआ चला जाता। अच्छा काम करो, लोगों से गलत व्यवहार मत रखो, तो मेरे भाई सारे नोट्स बन जाएंगे, समझ रहे हो। इससे बढ़िया ट्रिक कुछ नहीं है। फिस्कल डेफिसिट, अब ये क्या बोलते जरा समझो, सरकार हर साल बजट में फिस्कल डेफिसिट का एक टारगेट सेट करती है। अब हम लोग उस डेटा को आपको हर क्वार्टर के बेसिस पे भी देते रहते हैं, तो यहां पर जरा समझें, तो पहला जो हाफ निकल गया है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट है उसका 39.3% तक गवर्नमेंट ने टच कर लिया है। 39.3% तक जो फुल ईयर टारगेट है उसका पहले हाफ में, समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट टच 39.3% ऑफ फुल ईयर टारगेट इन अ फर्स्ट हाफ इन अ करंट फाइनेंशियल ईयर स्लाइटली हायर देन 37.3% रिकॉर्डेड इन अ ईयर अर्लियर पीरियड। ये कहते हैं कि पिछले साल के 6 महीने में 37.3% था और इस साल मेरे भाई 39 पॉइंट, इसको आप पढ़ो, इस वाली लाइन को 37 वाले की छोड़ दो, आप सिर्फ इस वाली लाइन को पढ़ो कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट हाफ में जो फुल ईयर टारगेट है उसको 39.3% यहां पर फिस्कल डेफिसिट सेंट्रल गवर्नमेंट ने टच कर लिया है। एक्चुअल टर्म्स में बात करें, यानी अमाउंट में बात करें, एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, तो फिस्कल डेफिसिट गैप जो फिस्कल डेफिसिट रहा था वो 7.02 लाख करोड़ रहा था एट द एंड ऑफ सितंबर। 7.02 लाख करोड़ बोलो या फिर 39.3% बोलो, बात एक ही है। डन डन मेरे भाई, क्लियर। इन एक्चुअल टर्म्स फिस्कल डेफिसिट इज अ गैप बिटवीन द एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के गैप को हम लोग डेफिसिट बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ये 7.02 लाख करोड़ रहा था एट द एंड ऑफ सितंबर। इस डेटा को जारी किया था सीजीए ने, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने। अब देखो कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, डेटा कौन जारी कर रहा है, एब्सोल्यूट टर्म्स ऑफ फर्स्ट हाफ में कितना रहा, ठीक है, और अगर प्रतिशत में बात करें तो कितना रहा था, 39.3%। जब हम लोगों ने यूनियन बजट पढ़ा था तो यूनियन बजट में एक डेटा पढ़ा था कि यार सरकार का 23-24 का टारगेट है 5.9% का, ठीक है। डन 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसमें मेरे दोस्त ये लिखा हुआ 5.9% रहा था फिस्कल डेफिसिट। मतलब सरकार ने बोला है कि भाई रहा नहीं है, हमारा यूनियन बजट 23-24 में, निर्मला सीतारमन जी उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य रहेगा कि फिस्कल डेफिसिट को 23-24 में 5.9% तक लेकर आए जीडीपी का। डन ऑल ओके, तो ये न्यूज है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगी, कौन जारी कर रहा है, कितना रहा है, ठीक है, और एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना रहा था, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर एनएमसी टू लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। अब एक और आईडी आने वाली है, बट इट इज नॉट फॉर ऑल, इट इज फॉर डॉक्टर्स, ओके, फॉर यूनिफाइड इन्फो ऑन डॉक्टर्स। तो अब आप अपने जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में भी जान पाएंगे, ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं ये गवर्नमेंट ना, ये चीजें बड़ी बढ़िया कर रही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रही है जिससे प्लेटफॉर्म पे सभी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी जो सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, ओके। तो ये एनएमसी है, इसने अभी एक वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है यूनिफाइड इन्फो के लिए ऑन डॉक्टर्स के लिए। क्या मतलब है इसका वो देखो, नेशनल मेडिकल कमीशन, पहला तो इसी वाले पैराग्राफ में क्वेश्चन बन गया आपके एग्जाम का, नेशनल मेडिकल कमीशन। असल में ये रेगुलेटरी बॉडी है, अभी ना ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कौन सा है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। सिविल एविएशन को लेकर कौन सी संस्था को हम रेगुलेटरी बॉडी बोलते हैं, ये अभी हाल फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन आया था। उसी प्रकार पूछा जा सकता है कि रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेशनल्स के लिए है नेशनल मेडिकल कमीशन, या जिसको आप लोग बोलते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ओके। ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। इट इज फॉर डॉक्टर्स, ये किसके लिए, डॉक्टर्स के लिए अक्रॉस द कंट्री, देश भर के डॉक्टर्स के लिए। फॉर एलिमिनेट डुप्लीकेशन, ओके, एंड रेड टेप, अलाउ पब्लिक टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन एनी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया। अब कोई भी फिजिशियन भारत में काम कर रहा है और पब्लिक को, यानी आपको और हमको उसकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो ये एक पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पोर्टल पर मेरे दोस्त, इस वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पे उनका डेटा अवेलेबल रहेगा। कैसा लगा मेरे भाई ये इनिशिएटिव, बढ़िया है ना मेरे दोस्त, मेरा तो नहीं है, यहां पर एनएमसी का है, नेशनल मेडिकल कमीशन का है, ओके। आगे देखते हैं, एनएमसी विल अनवील अ पैच पायलट ऑफ नेशनल मेडिकल रजिस्टर, ये आने वाले 6 महीने में
इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च करेगा, जहां पर डॉक्टर्स होंगे उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, देन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर देयर लाइसेंस टू वर्क एनी स्टेट डिपेंडिंग ऑन देयर, ऐसे हटाइए आप, इतना समझ लीजिए कि इसको आने वाले 6 महीनों में लॉन्च किया जाएगा पायलट बेसिस पे, और इसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, कमीशन हैड अर्लियर दिस ईयर इशूड अ गैजेट नोटिफिकेशन, अभी उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था और ये लिखा था उसमें रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिकल रेगुलेशन 2023। इन्होंने कहा है कि भाई ये हमने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें क्लियर कर दिया है कि अब एक नया आईडी दिया जाएगा डॉक्टर्स को वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के तहत, और इसमें एक ऐसा आईडी होगा जो कि उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, जैसे आधार नंबर है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने अपार आईडी पढ़ा था मेरे भाई, इसी तरह से डॉक्टर्स के लिए भी एक यूनिक नंबर रहेगा। डन, क्लियर है भाई, ये न्यूज अच्छी है दोस्त, मजेदार है। अब इसके लिए यहां पर पैनल ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी समझौता किया है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उनको रेट करने के लिए भी घुमा फिरा के। राजीव चंद्रशेखर साहब की बात करते हैं, मिनिस्टर हैं, ओके। अब ये एक इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, अब इंडिया को कैसा रिप्रेजेंट करेंगे वो समझो, जैसे कोई भी समिट होता है तो भारत की तरफ से भी कोई ना कोई व्यक्ति जाता है, जैसे कि अभी एससीओ का समिट रहा था, दो प्रकार के समिट होते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का समिट किसी एक देश के साथ हुआ है, वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के समिट में देश का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करता है, वो कोई भी हो सकता है, होम मिनिस्टर हो, एक्स फिन मिनिस्टर हो, या फिर डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी अगर गवर्नमेंट जिनको भेज रही है। ओके, इस वर्ष एस जयशंकर साहब को भेजा गया है, किस देश में भेजा गया है एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के समिट को अटेंड करने के लिए, उसका आंसर मुझे चाहिए। अब आते हैं यहां पर राजीव चंद्रशेखर साहब, इनको भी किसी समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाएगा, वो है एआई सेफ्टी समिट 2023, इसको यूके होस्ट करेगा। तो एआई सेफ्टी समिट 2023 शेड्यूल टू बी हेल्ड इन यूनाइटेड किंगडम, ये यूके में रहेगा, यूके के बकिंगहम शायर में होगा, बैले चैले पार्क में होगा, ठीक है, ये बैले चैले पार्क नाम देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, यूके यहां पर ये रहेगा, आज और कल चलेगा। इसकी थीम है एआई फॉर गुड, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड। राजीव चंद्रशेखर साहब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी ये देख रहे हैं। क्लियर भाइयों, देखो एक होते कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत में आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये इनको रिपोर्ट करते हैं, ये इनकी हेल्प के लिए बनाए जाते हैं कि भाई इनका काम है, इनके ये इनके अंडर में काम करेंगे। एक होते मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता, स्वतंत्र प्रभार होता है उस मंत्रालय के, होल सोल वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसने जो इंटरनेशनल जो जूरी है ना, ठीक है, जो सेलेक्ट करती है किसको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, उस जूरी के हेड यहां पर नामित किए हैं। ये पता नहीं क्यों एग्जामिनर का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि वो किसी ना किसी अवार्ड से रिलेटेड करते हुए जूरी के हेड पूछ लेता है। अब आप कहोगे सर सभी अवार्ड की जूरी के हेड हमें पढ़ने, नहीं, जो बड़े बड़े अवार्ड है उनके तो पढ़ने पड़ेंगे, जैसे 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अब यहां पर शेखर कपूर साहब है, इनको इस जूरी का हेड बनाया गया है। अब इस जूरी में और भी मेंबर है, ठीक है, उनकी जूरी में फिल्म निर्माता शेखर कपूर जो जूरी के अध्यक्ष है, सिनेमाटोग्राफर जॉस लुइस अल्काइन है, फिल्म निर्माता जेरोम पेलॉड है, कैथरीन डुसार्ड, हेलेन लीक है, ये सबको शामिल किया गया है। बट इतना घुस के तो नहीं पूछने वाला, वो जरूर ये पूछ लेगा शेखर कपूर यहां पर इसके चेयरमैन है जूरी के, ये पूछा जा सकता है। डन, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट पढ़ना है जो न्यूज में वो तो पढ़ने हैं, मैं सारे तो नहीं बोलूंगा, सारे पढ़ भी नहीं पाओगे, कत्ता ही नहीं पढ़ पाओगे। इसका एक स्मार्ट तरीका ये होता है कि जो भी बंदा भी न्यूज में चल रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एटलीस्ट उनको तो पढ़ के चलना है हमें। ओके, आगे, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हर साल ये गोवा में रहता है। एसबीआई कार्ड ने अभी रिलायंस रिटेल के साथ एक एग्रीमेंट किया था, और उस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने रिलायंस एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन आया भी था, और वो था पेटीएम और एसबीआई कार्ड के टाइप का, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी क्वेश्चन आया था पेटीएम एसबीआई कार्ड, ये पूछ लेता है। देखो इस तरीके कैसे, जैसे कोई बैंक है उसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, गो सेविंग अकाउंट किसी ने लॉन्च किया, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या जैसे कि कोई किसी संस्था के साथ टाइप कर रहा है, एसबीआई कार्ड ने संस्था के साथ टाइप किया, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ रहा है एग्जामिनर। तो ये एसबीआई कार्ड ने रिलायंस एसबीआई कार्ड एक लॉन्च किया है रिलायंस रिटेल के साथ मिलकर, इसका उद्देश्य ये होगा कि जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसको एनहेंस करना, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट और रिवॉर्ड यहां पर कस्टमर्स को देना। मेरे काम की चीज ये लाइन नहीं बनेगी, सिर्फ समझने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है। डन,
को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कम्स इन टू वेरिएंट, रिलायंस एसबीआई कार्ड, रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम, नो नीड। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अभी एफएटीएफ होता क्या है इसको समझने की जरूरत है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक संस्था है, ये दो ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। टेरर फाइनेंसिंग जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनको धन उपलब्ध कराना, ठीक है। अब ऐसे कोई देश जो इनमें लिप्त पाए जाते हैं उनको एफएटीएफ अपनी लिस्ट में शामिल करता है, और जब उनको अपनी लिस्ट में शामिल करता है तो उसका मतलब ये है कि उनको जो विदेशी फंडिंग होती है, ओके, जो संस्था होती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो उनको पैसा देते हैं, उसको रोक लिया जाता है। अब यहां पर ये लिखा हुआ है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, जो ब्लैक मनी होती है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। अब ऐसे में कोई देश लिप्त पाया जाता तो उसको भी उसी लिस्ट में गिरे और ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। एफएटीएफ ने सेमन जो कैमन आइलैंड है इसको अपनी ग्रे लिस्ट है इससे बाहर कर दिया है। ओके, अकॉर्डिंग टू रिव्यू पब्लिश बाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कैमन आइलैंड वॉज रिमूव फ्रॉम एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। डन मेरे दोस्त। पनामा, जॉर्डन, अल्बेनिया वर ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम एफएटीएफ ग्रे लिस्ट व्हाइल बुल्गेरिया वॉज एडेड टू द लिस्ट। ये न्यूज अच्छी है, क्लियर भाई। नेक्स्ट, एफएटीएफ 1989 में बना था, टी राजा कुमार इसके प्रेसिडेंट है, हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। अब देखो जैसे भी कोई भी संस्था का हेडक्वार्टर आता ना, कोशिश करो उसके पैरल ये याद रखने की कि उस देश में या उस शहर में और कौन कौन से हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर यहीं पर है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जहां तक मुझे याद है OECD का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है और FATF का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। क्या इसके अलावा और भी कोई है क्या? OECD एक बार चेक कर लेता हूं। OECD हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में। ओके, तो ये अपने लिए एटलीस्ट तीन तो याद रखो, यूनेस्को, OECD, FATF, इन तीनों का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में। डन, राधे राधे सर जी, मेरा रिपोर्टिंग टाइम SVIPO का टुडे, आशीर्वाद भैया। प्रभु बढ़िया बच्चों का पेपर करना है, इन सभी को सिलेक्शन दिलाओ, इनको स्वस्थ रखो, ठीक है, इनको सिलेक्शन दिलाओ। इनका सिलेक्शन सिर्फ इनके लिए नहीं, इनके परिवार के लिए बड़ा जरूरी है। होता क्या ना, जो आप काम कर रहे हो उससे सिर्फ आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, आपके परिवार के जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो आप में से जितने भी लोग हैं ना, कभी कभी चीजों को हल्के हाथ में ले लेते हो, हल्के हाथ में मत लिया करो। अगर आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना, तो इसका मतलब अपने साथ नहीं पूरे परिवार के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो सीरियस होकर अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी किया करो, ठीक है। बढ़िया तरीके से मेहनत से आपने तैयारी करिए, पेपर दे के आइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, ज्यादा लोड वोड मत लिया करो। लोड लेने से बीमारियां लगती हैं, ये मेरा अनुभव है, मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ। रात रात भर काम करना, ना कभी अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना, बस मेहनत मेहनत मेहनत, ये बेकार है, सच में बेकार है। आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो मिलने के बाद अगर आप उस लायक ही नहीं रहे कि उसका इस्तेमाल कर लें, तो फिर क्या मतलब बनेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने 2.5 महीने होने आ गए, मैं ना गाड़ी चला पाता ना बाइक चला पाता। अभी बस ये है कि डॉक्टर ने क्लियर बोल रखा है 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा वॉक नहीं करनी है आपको, इससे ज़्यादा वॉक करोगे तो फिर पेन होगा, ठीक है, इतना पेन होगा कि आप ना इधर करवट ले पाओगे उधर करवट ले पाओगे। तो लाइफ में ना मेरे दोस्त, मैंने एक चीज़ अनुभव करी कि सर एक चीज़ की तरफ मत भागिए, लाइफ को थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करिए। और आपकी लाइफ में ना सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान दो, हेल्थ, मतलब ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले होना चाहिए। बहुत बार बहुत लोगों की लिस्ट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रायोरिटी होते हैं, नहीं सुबह उठकर उनसे बात करनी है, भैया जाना है, घूमना है, ये करना है। आज बहुत सारे मेरे दोस्त नए जोड़े होंगे, ठीक है, इनकी नहीं शादी होगी, आज करवा चौथ मना रहे होंगे। अरे भाई ये सब चीज़ें ना बेकार है, ठीक है, सब बेकार है। अपनी हेल्थ का ध्यान दो, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, कुछ भी ठीक नहीं है, ये सिलेक्शन होता रहेगा, लिटरली बता रहा हूँ। अभी तुम्हें समझ में इसका रियलाइजेशन इसलिए नहीं होता बहुत लोगों को, मेरे पिताजी भी बोलते थे, मेरे दादा भी बोलते थे कि सबसे पहले स्वास्थ्य जरूरी है, ओके, बोलते हैं अभी भी, लेकिन ये तब रियलाइजेशन नहीं होता जब आप मेरे दोस्त भाग दौड़ में लगे होते हो। आपको रियलाइजेशन तब होता है जब उस भाग दौड़ को पाने के बाद आप बैठे होते हो, ठीक है। तो मैंने तो ये देखा है कि मैंने अपनी लाइफ में, मेरे दोस्त बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत की है, उसका परिणाम आपके सामने है, ठीक है, आप लोगों को सिलेक्शन दिलाया जा रहा है। लेकिन इस दौर में ना, इस दौड़ में मैंने कहीं ना कहीं एक चीज बहुत मिस कर दी, वो रही मेरी हेल्थ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी हेल्थ क्या हो रही है, सिर्फ आपके अलावा, ठीक है।
और धीरे 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 देखो खांसी बुखार ठीक हो जाता है, और जब इस तरीके से लापरवाही बरतते हैं तो जो दिक्कतें आती है फिर उसका इलाज संभव तो है लेकिन बहुत देर लगती है उसमें। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, एटलीस्ट 15 मिनट आधा घंटे अपने लिए निकाला करो। आधा घंटे वॉक करने में कुछ नहीं जा रहा, आधा घंटे एक्सरसाइज करने में कुछ नहीं जा रहा, लगता है तो टहलते टहलते ही कर लो मेरे भाई, टहलते टहलते बात कर लो किसी से, ठीक है, बात तो तुम मानोगे नहीं करे बिना, तो कोशिश करो वॉक करते टाइम कर लो। खाने का ध्यान रखो, हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी फूड खाने के साथ ऐसी लाइफ स्टाइल अपनी मेंटेन करो कि हाँ यार उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन आप ले रहे हो, क्योंकि आपके खाने में प्रोटीन इतना है नहीं तो फिर प्रोटीन कैसे आएगा, ठीक है। देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े भाई के नाते समझा रहा हूँ, अदरवाइज कंटेंट करंट अफेयर्स ये सारी चीजें तो यार चलती रहेंगी, बट लाइफ के वो चीजें जो मैंने फील करी हैं, जो मैं फील करता हूं, मैं तुमसे कहूंगा हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सब सेकेंडरी, एवरीथिंग शुड बी सेकेंडरी, हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हेल्थ, अच्छा खाना, ठीक है, अच्छे से मेरे दोस्त जीवन को लेके चलना बड़ा जरूरी है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है मेरी बात को लोग मजाक से ले रहे होंगे, अरे यार क्यों बकवास कर रहा है, आगे करंट अफेयर्स पढ़ा इतना तो हम जानते हैं, आज नहीं तो कल मेरे दोस्त इसी शब्दों को याद करोगे तुम लोग जब तुम लापरवाही बरतोगे, तो बरतो नहीं लापरवाही, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। बाकी मेरे दोस्त धर्म और कर्म दोनों निभा लेते हैं, डबल वैलिडिटी। अब देखो मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको, उस पर ध्यान देना, ये मेरा एक सरप्राइज आप लोगों के लिए 3 नवंबर, मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि जितने भी रिकॉर्डेड मेरी क्लास को देखते हैं, ठीक है, कोशिश करना 3 नवंबर को मेरे साथ लाइव जुड़ने की, कोई वो नहीं है कि नहीं आना ही आना है, लेकिन 3 नवंबर को अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 5 सरप्राइज में यहां पर सच बता रहा हूं, एक मेरा खुद का इनिशिएटिव है जो मैं बहुत वक्त से सोच रहा था करने की, वो हम लोग करने जा रहे हैं, ओके, वो आपको बहुत मदद करेगा। एक और इनिशिएटिव है, फिर एक और इनिशिएटिव है, एक और इनिशिएटिव है, एक तो इतना धमाकेदार है ना, तुम लोग कहोगे सर आपने दिल जीत लिया, लिटरली बता रहा हूँ, तुम लोगों को सर आपने दिल जीत लिया, कब मतलब कितनी बार दिल जीतोगे ऐसे करके बोलोगे। बस आपसे गुजारिश है कि देखो बहुत, मैं उस तरीके से नहीं बोलना कि वो तो होता नहीं है कि बड़ी दुकान फीका पकवान, ठीक है, और खोदा पहाड़ निकली छुईया, ठीक है, ये बहुत बार निकलता है ना, लेकिन ये जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा आपको, खोदेंगे पहाड़ और खोदेगा निकलेगा पहाड़ ही मेरे भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो समझना मेरी बात को, बड़ा होने वाला इवेंट, 5 बड़े सरप्राइज है, और 5 नहीं है, 5 से ज्यादा है, मैं 5 नंबर इसलिए लिखा, 6 लिखता तो मुझे मजा नहीं आता, मैंने कहा 5 लिखते हैं, एक जो एक्स्ट्रा होगा वो बच्चों को मजा आ जाएगा उसे देख के, ठीक है। 3 नवंबर सुबह 7 बजे, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो ये पेड होगा करंट अफेयर्स, ओ माय गॉड, अरे यार नहीं ये तो कभी जिंदगी में पेड़ नहीं होगा, परिस्थिति परिस्थिति कैसी भी आ जाए कभी नहीं होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, देखो जिनका पेपर है उन सभी को ऑल द बेस्ट, ओके 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 ओके, तो सब लोग जुड़ रहे हो ना फिर मेरे दोस्त, इवेंट लग जाएगा आज शाम तक, और इवेंट को ओपन कर लेना, उसको नोटिफाई मी कर लेना, गुजारिश रहेगी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ आना है, इस बार मैं बोलूंगा कि आना ही आना है, ठीक है, और आइएगा यार अच्छा लगेगा। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का सेशन भी होगा, उस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग एंड में 10 से 15 मिनट आपके साथ जब जुड़ेंगे तो अनाउंसमेंट बेहतरीन करेंगे, मजा आएगा, ठीक है, और बढ़िया लगेगा, शायद हो सकता है कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है, कंपटीशन यहाँ पर ये बढ़ने वाला है कि मैंने ये अनुभव किया है कि जब टीचर मेहनत करता है तो उसे देख के मेरे दोस्त और भी टीचर्स मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, और अल्टीमेट फायदा आपका होता है, तो हो सकता है कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ इसके बाद मेरी मेहनत तो बढ़ेगी बढ़ेगी औरों की मेहनत भी बढ़ने वाली है, ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी यार, अच्छी चीज़ है वो तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि जुड़ना ही है, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जीवन में जो आप करते हैं मेरे दोस्त उसका परिणाम आपको मिलता है, और जीवन में आप नहीं करते हैं उसका परिणाम भी आपको मिलता है, तो आपकी स्थिति परिस्थिति का कारण सिर्फ आप होते हैं, तो कोशिश करिए अपनी स्थिति परिस्थिति को बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, और निरंतर प्रयत्न जीवन में हमेशा सफलता देते हैं, जरूरी नहीं कि आपके 100 में से 90% आएंगे तभी आप योग्य हैं, 100 में से अगर 67.2% आएंगे तब भी तो आप जीवन में कुछ कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे ना, तो जीवन में सब कुछ पा सकते हैं बशर्ते आप मेरे दोस्त निरंतरता बनाए।